हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। आपके लिए क्वेश्चन आया है, डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट प्लास्टिक इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट्स, यू मे यूज स्लोगन्स डू नॉट एग्जिस्ट 50 वॉट। आपको यहाँ पर एक पोस्टर बनाने के लिए आया है। क्या है? आपको यहाँ पर एक पोस्टर बनाने के लिए आया है। पोस्टर बनाना आप सभी को आई होप कि आता होगा, और नहीं आता है तो आप लोगों को मैंने कुछ वीडियोस में सिखाया है, आप लोग वहां से भी पोस्टर कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं। अब देखो, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बनाना है भाई? प्लास्टिक इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। जो कुछ भी हम प्लास्टिक यूज करते हैं ना, उसके लिए जितना भी इफेक्ट हो रहा है एनवायरमेंट पे, उसके लिए हम लोगों को एक पोस्टर क्रिएट करना है। चलिए बनाते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी पोस्टर एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर या एक डिजाइनिंग बॉक्स के अंदर बनाया जाता है। ओके, और जो पोस्टर बनाया जाता है वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग मेन हेडिंग लिखते हैं, से नो टू प्लास्टिक। कहिए प्लास्टिक नहीं भाई, से नो टू प्लास्टिक। मैं आपको यहां पर बोलूंगा, अगर आप लोगों को डायग्राम वगैरह बनाते आता है, अगर आपको डायग्राम वगैरह बनाते आता है, जैसे आप क्या करिए, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे प्लास्टिक बना दीजिए, और आप लोग यहाँ पे सर्कल बना दीजिए और यहाँ पे क्रॉस का मार्क लगा दीजिए, ठीक है। पानी की बोतल्स बना दीजिए आप लोग ऐसे कुछ भी करके, और इसे भी मना कर दीजिए। आप लोग इसकी जगह पे बोल सकते हैं कि भाई आप पेपर बैग यूज करें, आप ऐसे पेपर बैग बना सकते हो, ठीक है। आप जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो उसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे स्मॉल लेटर्स या कैसे भी करके यहाँ पर लिख दीजिए पेपर बैग। क्या लिख दीजिए? पेपर बैग, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो पेपर बैग लिख दिया आप लोगों ने, पेपर बैग, ठीक है। चलिए अब आगे लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो भाई, प्लास्टिक क्या है ना, क्या क्या है इसके बारे में हम लोग पहले बताते हैं। तो हमने बताया प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, अब घटनी नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, डिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। आप बताइए बर्निंग, इसके जलने से क्या होता है भाई? बर्निंग कैसल्स क्या करता है? एयर पोल्यूशन देता है, एयर पोल्यूशन देता है, क्या? बर्निंग कैसल्स एयर पोल्यूशन देता है। आप बताइए टॉक्सिक केमिकल क्या करता है? टॉक्सिक केमिकल कॉज लंग कैंसर, क्या करता है भाई? जो टॉक्सिक केमिकल होता है ना इसका, वो लंग कैंसर कर देता है, ठीक। आप बता सकते हो इसमें क्या? प्लास्टिक मटेरियल इज मोर डेंजरस, क्या ये बहुत ज्यादा डेंजरस है? डेंजरस फॉर आवर लाइफ एंड हेल्थ, फॉर आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसकी जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो? तो आप बता सकते हो यूज दीज। आपने बोला भाई इसकी जगह पे आप लोग ये यूज करो, क्या क्या यूज कर सकते हैं आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे भाई? पेपर बैग, क्या कर सकते हो आप लोग? पेपर बैग। आप लोगों ने क्या बताया इसकी जगह पे भाई? आप लोग क्या यूज कर सकते हैं? पेपर बैग यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हो आप लोग इसकी जगह पे? पेपर बैग यूज कर सकते हो। आप इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो? पेपर बैग यूज कर सकते हो, पेपर बैग्स। आप इसकी जगह पे और क्या यूज कर सकते हो? क्लॉथ बैग यूज कर सकते हो, क्लॉथ बैग्स। आप इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? और जूट बैग्स यूज कर सकते हैं, जूट बैग्स। क्लियर? इससे हम लोग क्या कर पाएंगे? इससे हम लोग क्या कर पाएंगे बता सकते हो आप लोग? इससे हम लोग क्या कर पाएंगे भाई? प्रोटेक्ट। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे? इससे हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने एनवायरमेंट को। तो आप यहाँ पे बता रहे हो, क्या बता रहे हो आप लोग यहाँ पर? आप बता रहे हो क्या? प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट स्टे हेल्थी, ओके, स्टे हेल्थी। आप लोग इससे क्या कर पा रहे हो? अपने एनवायरमेंट को हेल्थी बना पाओ। आप इससे अपने एनवायरमेंट को कैसे बना पाओगे? हेल्दी बना पाओ, ठीक है, हेल्दी बना पाओगे, ओके।
सो ऐसे आपने बना लिया स्टेनो टू प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर बर्निंग कैसे एयर पोल्यूशन देता है, टॉक्सिक केमिकल से क्या होता है भाई, लंग कैंसर हो जा रहा है, प्लास्टिक मटेरियल मोर डेंजरस फॉर आवर लाइफ। इसके लिए भी क्या क्या यूज कर सकते हो, पेपर बैग्स यूज कर सकते हो, जूट बैग यूज कर सकते हो, क्लॉथ बैग यूज कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे डायग्राम बनाते आता है तो आप यहाँ पे बैग्स बना सकते हो, ऐसे रेक्टेंगल छोटे छोटे बैग बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बैग्स, पेपर बैग, ओके, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे बता दीजिए और यहाँ पे आप लोग राइट का सिंबल लगा सकते हो, तो आपको जो डिजाइन आता हो, ठीक है। तो सेनो टू प्लास्टिक का ये हो गया आपका पोस्टर राइटिंग, ओके। आई होप दैट कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इस पोस्टर को अपनी लैंग्वेज में बहुत इजीली बना लो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।